हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को सुख समृद्धि और धन की देवी माना जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि माँ दुर्गा जिससे भी प्रसन्न होती है उस पर खास कृपा करती है। यूं तो साल भर में 4 नवरात्रि आती है, लेकिन शारदीय और चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस साल चैत्र नवरात्रि का त्योहार 2 अप्रैल 2022 से शुरू हो रहा है और 11 अप्रैल 2022 को इसका समापन होगा। ऐसे में कलश स्थापना से लेकर पूजन सामग्री एवं पूजन विधि तक सभी आवश्यक जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल एनएन श्रद्धा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। माँ दुर्गा की पूजन सामग्री की बात करें तो उसमें आम के पत्ते, चावल, लाल कलावा, गंगाजल, चंदन, नारियल, कपूर, जौ, गुलाल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, मिट्टी का बर्तन, फूल, श्रृंगार का सामान, चौकी, आसन और कमलगट्टा अवश्य होना चाहिए। कलश स्थापना की आवश्यक सामग्री। कलश स्थापना के लिए 7 तरह का अनाज, मिट्टी का बर्तन, पवित्र स्थान से लाई गई मिट्टी, कलश, गंगाजल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, लाल सूत्र, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, अक्षत, लाल कपड़ा और फूलों की जरूरत होती है। नवरात्रि हवन पूजन सामग्री। नवरात्रि में हवन के लिए आपको इन सभी चीजों की जरूरत है, जैसे पीपल का तना और छाल, बेल, नीम, पलाश, चंदन की लकड़ी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, मुलैठी की जड़, तिल, चावल, लौंग, गूलर की छाल, गाय का घी, गुग्गल, लोभान, इलायची, शक्कर, जौ। इसके अलावा एक सूखा नारियल, कलावा, लाल रंग का कपड़ा और हवन कुंड। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। चैत्र घट स्थापना शनिवार 2 अप्रैल 2022 को। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 6:10 से 8:31 तक। अवधि 2 घंटे 21 मिनट। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त 12:00 से लेकर 12:50 तक। घट स्थापना मुहूर्त प्रतिपदा तिथि पर, तो प्रतिपदा तिथि प्रारंभ अप्रैल 1 2022 को 11:53 से शुरू। प्रतिपदा तिथि समाप्त अप्रैल 2 2022 को 11:58 तक। तो ये थे वो शुभ मुहूर्त जिन पर आप कलश स्थापना कर माँ दुर्गा को अपने घर आमंत्रित कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।